सबका हमारे चैनल एएसके में या आस्क में स्वागत है। आज हम लोग आपको एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं जो बहुत सारे वनडे लेवल के एग्जाम्स में आता है। उस टॉपिक का नाम है कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। ठीक है, हिंदी में हम इसको कहते हैं महाद्वीप और महासागर। ठीक है, अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पूरी जो अर्थ है हमारी उस पे पूरी जमीन एक ही जगह पे नहीं है, बल्कि जो लैंड है वो कई टुकड़ों में बटा हुआ है। तो जो लैंड बहुत बड़े बड़े हैं उन सभी को हम कह देते हैं महाद्वीप, और जो छोटे छोटे हैं उनको हम कह देते हैं द्वीप। तो आज हम लोग महाद्वीपों पे सबसे पहले इस पे चर्चा करेंगे, यानी कि कॉन्टिनेंट्स पे चर्चा करेंगे। तो देख लेते हैं सबसे पहले कि हमारे अर्थ पे कितने महाद्वीप या कितने कॉन्टिनेंट्स हैं। तो देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन आवर प्लैनेट। ठीक है, हमारे प्लेनेट पे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। उन 7 कॉन्टिनेंट्स के नाम, उनमें कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है और बाकी चीजों के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक से। सबसे पहले महाद्वीप। देखिए, जो फर्स्ट है आपका उसका नाम है एशिया। आप सभी को मालूम है हम सब लोग एशिया कॉन्टिनेंट में ही रहते हैं, मतलब इंडिया जो कंट्री है हमारी वो एशिया कॉन्टिनेंट में ही आती है। एशिया कॉन्टिनेंट पूरी अर्थ पे सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट, यानी कि अगर पूछा जाए लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन वर्ल्ड तो वो है आपका एशिया। ठीक है, एशिया के कुछ इंपॉर्टेंट एक दो कंट्रीज का नाम जान लेते हैं, जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, सऊदी अरब हो गया, जापान हो गया, रूस हो गया, ये आपकी एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। सेकंड हम देख लेते हैं, जो सेकंड नंबर पे है वो है अफ्रीका। अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट सेकेंड नंबर पे सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। इसमें बहुत ढेर सारी कंट्रीज, बहुत छोटी छोटी कंट्रीज भी आती हैं, जैसे तंजानिया, तस्मानिया, मिश्र यानी कि इजिप्ट, ये सारी कंट्रीज इसमें आती हैं। और उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है हमारा नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, तो नॉर्थ अमेरिका में आता है आपका कैनेडा, अमेरिका यानी कि यूएसए एंड मैक्सिको। और भी बहुत से कंट्रीज हैं, बट जो मेन कंट्रीज हैं मैं उनको बता रहा हूं ताकि आपकी माइंड में थोड़ा थोड़ा फीड होता जाए। फोर्थ नंबर पे आता है आपका साउथ अमेरिका। ये साइज वाइज है, मतलब ये सबसे बड़ा, फिर ये उससे छोटा, फिर वो उससे छोटा, इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। फिर आता है आपका साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में आपका आता है चिली, पेरू, कंबोडिया कह रहा हूं, आपका आता है ब्राजील, ये सब आते हैं। ठीक है, वेनेजुएला, ये सारी कंट्रीज आती हैं। फिर फिफ्थ नंबर पे आपका आता है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो पूरा का पूरा बर्फ में ढका हुआ है। ये साउथ पोल, एक और चीज जान लीजिए, अंटार्कटिका एंड साउथ पोल, सॉरी साउथ पोल, ये दोनों लगभग सेम है। बिल्कुल जो आपका अंटार्कटिका ये कॉन्टिनेंट है, इसके मिड पॉइंट में ही है आपका साउथ पोल। ठीक है, उसके बाद आपकी सिक्स नंबर पे आता है यूरोप। यूरोप कॉन्टिनेंट में आपकी यूरोप कॉन्टिनेंट और एशिया कॉन्टिनेंट, एक्चुअली ये दोनों अलग नहीं है। कैसे मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। ये आपका हो गया नॉर्थ अमेरिका, ये हो गया आपका साउथ अमेरिका, ये दोनों छोटे पतली सी लाइन से जुड़े हुए हैं। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो प्लीज
ये मैंने कुछ टूटी फूटी उसमें वे में सारे कॉन्टिनेंट्स बता बना दिए। अब जल्दी से इसके बारे में मैं फैक्ट बताने वाला था, वो फैक्ट बता के फिर आप लोगों को बताता हूँ। पहले 7 लिख देता हूँ। 7 में आता है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। अब जो फैक्ट बता रहा था वो बता देते हैं। ये आपका है नॉर्थ अमेरिका, एनए से लिख देते हैं। ये है साउथ अमेरिका, ये है आपका यूरोप, और ये है आपका एशिया। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, यूरोप और एशिया ये दोनों कॉन्टिनेंट एक्चुअली में आपस में अलग अलग नहीं है, आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन इनको अलग करता कौन है? सबसे पहले यहां से इनको अलग करता है कैस्पियन सी। जो आपकी कैस्पियन सी एक झील है, झील के बारे में आपको वीडियो जल्द ही अपलोड किया जाएगा, समझाया जाएगा वो होती क्या है। और यहां पे है यूराल माउंटेन्स। तो यूराल माउंटेन्स एंड कैस्पियन सी यूरोप को एशिया से अलग करते हैं, इसलिए यूरोप को हम एक अलग कॉन्टिनेंट ही मानते हैं। यहाँ की जो सभ्यता है, जो रीतियां हैं, वो थोड़ी अलग हैं एशिया से। यहाँ पे ज्यादातर डेवलप कंट्रीज हैं, जबकि एशिया में अभी डेवलपिंग कंट्रीज ही हैं। ये है आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये है आपका ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, और जैसा कि हम सब अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हुई थी, ये है आपका अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो ये आपके हो गए 7 कॉन्टिनेंट्स। सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है आपका एशिया, सबसे स्मॉलर है, स्मॉलेस्ट है आपका अंटार्कटिका। यूरोप और एशिया आपस में जुड़े हैं, इसलिए कभी कभी इस पूरे कॉन्टिनेंट को यूरेशिया नाम भी दिया जाता है। अब हम थोड़ा सा इसके अपर लेवल की बात करते हैं, जो थोड़ा बहुत पेपर में कभी कभी आ जाती है। हम सभी जानते हैं जो हमारी अर्थ है, इस पे हम लोगों ने एक इमेजिनरी लाइंस बनाई है, जिनको लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड्स के नाम से जाना जाता है। मतलब दो तरीके की लाइंस है, एक लॉन्गिट्यूड एक लैटिट्यूड। तो ये पूछा जाता है कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें इक्वेटर लाइन, या सॉरी कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें इक्वेटर लाइन गुजरती है। तो इक्वेटर लाइन आपकी गुजरती है साउथ अमेरिका से, अफ्रीका से, और उसके बाद से ये इसके नीचे से यहाँ पे इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया से होते हुए निकल जाती है। फिर आता है कौन सा ऐसी कॉन्टिनेंट है जहां की आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, यानी कि कर्क रेखा गुजरती है। तो साउथ अमेरिका, सॉरी कर्क रेखा का पोजिशन थोड़ा वो है, ये एक्चुअली नॉर्थ अमेरिका से, मेरा फिगर थोड़ा बहुत अच्छा नहीं बना है, ये नॉर्थ अमेरिका से गुजरती है, सॉरी ऐसे नहीं गुजरती है, ऐसे ऐसे करके बना देते हैं, मेरा फिगर थोड़ा सही नहीं बना है। ये नॉर्थ अमेरिका के बिल्कुल एंड इधर से गुजरते हुए अफ्रीका होते हुए इंडिया होते हुए गुजर जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि मकर रेखा। वो आपकी साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से होते हुए निकलती है। फिर वही गलती, क्योंकि मेरा मैप बहुत सही नहीं बना है, इसलिए ऊपर नीचे टेढ़ी मेढ़ी जा रही है, वरना ये ऐसे सीधी जाती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे तीनों ही लाइंस गुजरती हैं। तो आपको दिख रहा होगा अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें तीन की तीनों ही लाइंस आपकी गुजरती है। ठीक है, तो ये हो गया। तो हमारे महाद्वीपों में, यानी कि ये कॉन्टिनेंट्स में जो मेन मेन वन डे एग्जाम के जो क्वेश्चंस बनते थे, वो हम लोगों ने बता दिए। ठीक है, तो हम लोगों ने कॉन्टिनेंट्स पे बात कर ली, अब हम बात करेंगे ओशंस पे। अब हम लोग बात करेंगे ओशंस पे, यानी कि महासागरों पे। तो देयर आर 5 ओशंस इन अर्थ। फर्स्ट नंबर पे आपका जो सबसे लार्जेस्ट है वो है पैसिफिक। सेकेंड नंबर पे आपका आता है अटलांटिक। थर्ड नंबर पे आपका आता है इंडियन ओशन। फोर्थ नंबर पे आपका आता है अंटार्कटिक, या फिर इसको हम साउथर्न ओशन भी कहते हैं।
साउथ एंड केवल लिख दे रहा हूँ, ठीक है, साउथ एंड ओशन भी कहते हैं। एंड फिफ्थ नंबर पे आपका आता है आर्कटिक, ठीक है, ये फाइव ओशंस हैं। अब इसमें हम देख लेते हैं, ये है आपका यूरोप एंड एशिया वाला पार्ट, ये आपका है अफ्रीका, ये आपका नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, और ये है आपका अफ्रीका। तो देखिए यहां पे है आपका पैसिफिक ओशन। अब थोड़ा हम इसको हटा देते हैं। देखिए पृथ्वी गोल है क्योंकि हमारी अर्थ जो है वो गोल है, तो इधर से आप घूमेंगे तो इधर आ जाएंगे, ठीक है, और यहां पे है आपका पैसिफिक ओशन यहां पे, और पैसिफिक ओशन पूरा घूम के इधर भी, क्योंकि अर्थ गोल है तो ये पूरा घूम के इधर आ जाता है। अंटार्कटिक ओशन आपका यहां पे है, अंटार्कटिक, ये है आपका इंडियन ओशन, ये आपका है अंटार्कटिक या साउथर्न ओशन, और यहां पे है आपका आर्कटिक ओशन। एक चीज याद रखिएगा, मैंने बताया था साउथ पोल आपका अंटार्कटिक जो कॉन्टिनेंट है, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट वहां पे है, तो नॉर्थ पोल कहाँ है? मैंने किसी भी कॉन्टिनेंट में नहीं बताया कि यहाँ पे नॉर्थ पोल है, तो एक्चुअली नॉर्थ पोल किसी कॉन्टिनेंट में नहीं आता है, बल्कि वो जो आपका आर्कटिक जो यहाँ है वो बिल्कुल नॉर्थ पोल आपका समुद्र के बीच में आता है, और वहां पे हमेशा बर्फ जमी रहती है, ठीक है। तो एक चीज याद रखिएगा, जो आपका नॉर्थ पोल है वो आर्कटिक ओशन में आता है, ओशन की मिड में आता है, ठीक है। अब एक चीज इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं कि आपका जो पैसिफिक ओशन है, कभी कभी कुछ बड़े लेवल के एग्जाम से पूछा जाता है, इसका शेप कैसा है, इसकी आकृति कैसी है, आप ओशन की आकृति कैसे बताएं, बट एक्चुअली आकृति है आपकी पैसिफिक ओशन की आकृति ट्रायंगल की आकार की है, यानी कि त्रिभुजाकार है, ठीक है। और आपका पूछता है अटलांटिक ओशन का जो साइज है वो किस तरीके का, शेप किस तरीके का है, मैं साइज बोल दे रहा हूँ, एक्चुअली वो शेप है, तो इसका शेप है आपका ऐसा आकार का, ठीक है। यहाँ पे मैं सही से बना नहीं पाया हूँ, बट आप देखोगे तो ये ऐसे एस शेप का है, बाकी इन तीनों का कोई शेप नहीं है, ये उबड़ खाबड़ किसी भी तरीके के हैं, मतलब मोटे चौड़े हर तरीके के हैं, बट इन दोनों ओशंस का अपना एक शेप है। तो ठीक है, हमने यहाँ पे पढ़ लिया ओशंस, पढ़ लिए ये, पढ़ लिए ये, मैंने सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा इसी तरीके से लगाया है, साइज वाइज ही लगाया है, ठीक है। तो इनसे वनडे लेवल के कई एग्जाम्स में क्वेश्चंस बन जाते हैं फ्रेंड्स, तो इसको अच्छे से आप एक बार पढ़ लीजिएगा। आई होप कि आप लोगों को एक ही बार में अच्छे से समझ में आ जाए, और मेनली इम्पॉर्टेंट है मैप को अपने माइंड में फीड कर लेना। एक चीज मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूँ कि कभी भी मैप से कोई भी क्वेश्चन आए तो सबसे परफेक्ट नॉलेज उसे कहा जाएगा जो जैसे ही नाम पढ़ता है तुरंत उसके माइंड में मैप खुल के आ जाता है ऑटोमेटिकली, उसको हम कहेंगे कि उसकी नॉलेज काफी अच्छे लेवल की है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और शेयर करिए ताकि ज्यादा लोग इन चीजों को पढ़ पाए, क्योंकि मैंने ज्यादातर यूट्यूब पे लिखा है क्वेश्चन आंसर टीचर सॉल्व करवाते हैं। मैंने फर्स्ट ही वीडियो में कहा था कि हम लोग क्वेश्चन आंसर आपको सॉल्व नहीं करवाएंगे, बट अब धीमे धीमे लग रहा है कि पढ़ा के हमें एक दो क्वेश्चन आंसर सॉल्व भी करवाना चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे कि कुछ क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करवाए जाएं प्रीवियस ईयर पेपर। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।